ये जो हिस्सा चिन्हित करके रखा गया है ना, यहाँ पर 300 चीनी सैनिकों की कब्र है। जब यहाँ पर वो भीषण लड़ाई चल रही थी 1962 में, तो इसी क्षेत्र में वो लड़ाई चली थी, चीन 300 सैनिकों की लाशें ले जाने की स्थिति में रहा नहीं, इसी इलाके में उन सभी चीनियों को दफन कर दिया गया था। भारतीय सेना सैन्य परंपराओं का पालन करती है, और दुश्मन अगर अपनी लाशें पीछे छोड़कर भी जाता है तो उन सबको कम से कम एक सम्मान उनकी मृत्यु के बाद दिया जाता है। और इसीलिए आप इस इलाके को देख रहे हैं जिसे घेर कर रखा गया है, और यहाँ पर उस पूरी लड़ाई की पूरी कहानी दर्ज की गई है। लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं जो अद्भुत के दायरे में रहती हैं, यानी कुछ चीजें जिसको लेकर लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि ये है भी या नहीं है, लेकिन ये लाशें अपने आप में उस पराक्रम की गवाही देती हैं। भारत चीन युद्ध का इतिहास बताता है कि 60 साल पहले चीन के साथ जंग में बहादुरी से लड़ने के बाद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ। जबरदस्त आस्था जब हम कहते हैं, आज भी मुझे नहीं लगता है कोई भी तवांग जाता होगा बगैर जसवंत गढ़ में माथा टेके हुए। तो वो जो आस्था है अभी भी देखते हैं जिस प्रकार से वॉर मेमोरियल उधर बना हुआ है, वाकई सबको प्रेरित करता है। उनके जाने के बाद भी कुछ तो एहसास था कि उनके साथियों ने उनकी सेवा करना जारी रखा, नियम से उनकी वर्दी को तैयार किया, उनके जूतों पर पॉलिश लगाकर हमेशा चमकदार रखा, उनके लिए चाय बनाई, खाना बनाया गया, बिस्तरा लगाया गया। जीवित रहे तो सैनिक, चले गए तो संत। राइफलमैन जसवंत सिंह की यही कहानी है। हालांकि आज आम लोगों के मन में, सैनिकों के मन में वो बाबा जसवंत सिंह है, लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक जो सैनिक होता है उनके इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, चाहे उनके बूट्स हो गए, उनका यूनिफॉर्म हो गया, उनका बेडरोल हो गया, इस सब को हर मंगलवार को व्यवस्थित करके रखा जाता है। उनके जूते पूरी तरीके से पॉलिश होकर, उनका संदूक जो वो इस्तेमाल किया करते थे, एक बिस्तरा उनके लिए लगा है, तकिया, तौलिया, एक रुमाल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी सैनिक तैनात रहते हैं इस मेमोरियल की देखरेख के लिए, वो नियमानुसार हर मंगलवार को यहाँ पर व्यवस्थित करके रख देते हैं ताकि बाबा को किसी भी तरह की दिक्कत न आए। यूं ही नहीं किसी सैनिक का मंदिर बन जाता, यूं ही नहीं किसी सैनिक को नई पीढ़ियों के सैनिक अपना देवता बना लेते हैं, यूं ही नहीं कोई राइफलमैन से बाबा जसवंत सिंह बन जाता है। जो बाबा जसवंत सिंह हैं, उन हमारे पूरे क्षेत्र को, हमारे पूरे देश को, जब कोई भी उनकी कहानी सुनता है तो हर युवा को एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। और ये देवभूमि का नाम के साथ साथ उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया। लगभग 300 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था सन 1962 में। हम तो ये कह सकते हैं कि उनके दयावा आज भी वही हमें देते हैं, हम तो याद करते हैं उनको, हमेशा वो हमारे पीछे रहते हैं, कभी दुख तकलीफ आने पर खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां आए तब भी हमारे साथ खड़े रहे दुख बीमारी में। जब वर्दी पहनकर सैनिक अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं तो बाबा जसवंत सिंह की चौखट पर सर झुकाकर श्रद्धा के पुष्प अर्पित करके निकलते हैं। जब देश सेवा का जुनून प्रचंड हो तो जज्बा कायम रहता है, और तब जान और जिस्म मायने नहीं रखते। जसवंत सिंह रावत अपनी पोस्ट अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहते थे।
लोगों का विश्वास है कि वो आज भी अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं, देश की रक्षा में हमेशा तैनात। कोई भी कहीं मतलब घटना घटती है, यदि हमारे ऊपर चाइना कहीं अटैक करता है तो उसको 48 घंटे पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे घटना है। जो हमारे जीओसी कमांडर होते हैं उनको पता चल जाता है, वो बताते हैं उनको। ये आज भी इनको जिंदा माना जाता है, आज भी लोग कहते हैं कि वो जिंदा हैं। और जब भी हमारे क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी बाबा जसवंत को याद करते हैं।